नमस्कार, मैं हूं रवि साहू और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। खबर समय जगत के खास शीर्षक में आपका स्वागत है। बरेली नगर में अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अपराधी खुलेआम राजीव गांधी बस स्टैंड के बीचों बीच अपना चार पहिया वाहन लगाकर एक हाथ में हथियार दूसरे हाथ में शराब की बोतल रखकर खुलेआम गाड़ी के बोनेट पर पेक बनाकर पी रहे हैं और लोगों के अंदर दहशत फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि नगर के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यह पूरा मामला तथाकथित रूप से अपने आप को चिन्ह मंदिर का अध्यक्ष एवं मालिकाना हक जमाने वाले कृष्ण कुमार रघुवंशी के बिगड़ेल पुत्र के द्वारा नगर बरेली के राजीव गांधी बस स्टैंड पर दारू के नशे में चूर होकर अपने ही वाहन पर बैठकर पहले तो दारू पी एवं बाद में डांस किया गया एवं एक हाथ में माउजर लहराकर आम जनता को डराने की कोशिश की गई। इसकी सूचना लगते ही पुलिस बल मौके स्थल पर पहुंच गया, जहां से कृष्ण कुमार रघुवंशी के पुत्र को मय वाहन सहित थाने ले गए। याद रहे कि यह वही हेमंत उर्फ सोनू रघुवंशी है, जिसने विगत दिनों स्टेट बैंक के सामने दारू के नशे में अपने स्विफ्ट डिजायर कार से अदालत में पदस्थ एक कर्मचारी को कुचल दिया था, जिसकी इलाज उपरांत मौत हो गई थी। आखिर क्या कारण है कि कृष्ण कुमार रघुवंशी के इस बिगड़ेल पुत्र के ऊपर शासन प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाती। वही नगर के लोगों ने बताया कि सोनू रघुवंशी प्रसिद्ध छिंदधाम हनुमान मंदिर के संचालक कृष्ण कुमार रघुवंशी का पुत्र है और रुपयों से पूर्ण संपन्न होने से कई मंत्रियों और अधिकारियों से संबंध होने के कारण पुलिस हाथ डालने में कतराती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।